राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज चंबा के मुख्य चौगान में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस खेल दिवस पर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इतिहास रहा है कि चंबा के बच्चे हमेशा से ही खेलों में आगे रहे हैं, चाहे वह खेल कोई भी हो। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को संपूर्ण करवाने के लिए बहुत सी एनजीओ ने आगे बढ़कर भाग लिया है और इस प्रतियोगिता में 40 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया है। वहीं दूसरी तरफ साइकिल रेस में भाग लेने पहुंचे बच्चों ने भी अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि आज के समय में मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने व कोई ना कोई एक्टिविटी को करते रहना चाहिए। इससे आप हमेशा से स्वस्थ तो रह ही सकते हैं, बल्कि नशे के चंगुल से भी बच सकते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। दिवस पे आज चंबा के, मैं तो कहूँगा समस्त टीम द्वारा, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन इन्वॉल्व हैं, एनजीओ इन्वॉल्व है, प्रशासन, समस्त विभाग इन्वॉल्व हैं, आप सब प्रेस प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं, पब्लिक इन्वॉल्व है, तो मैं ये समझता हूँ कि सब ने मिल के ये आज राष्ट्रीय खेल दिवस पे ये इवेंट कॉम्पिटिशन बाई साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए आज ये इवेंट कराया है, और जिसमें 40 के लगभग प्रतिभागी रहे हैं। और आज ये चेष्टा रही है कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस पे खेलों को प्रोत्साहन दें, जिसमें से एक खेल साइकिलिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिन बच्चों ने भी आज भाग लिया और जो दर्शक रीडर्स आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो देखा कि ये साइकिलिंग का इवेंट कैसे हुआ, वो इसमें रुचि भी दिखाएंगे, आने वाले समय में इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि बी फिट, हमें फिट रहने के लिए साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग से ना पॉल्यूशन होता है और ना कुछ हमें, हमारे को बेनिफिट भी मिलता है, ना कोई नुकसान होता है, इसलिए हर वे में बेटर है, इसलिए हमें इसको करना चाहिए।